अपना परिचय। मेरा नाम नितिन पटेल है, अम्बेडकर नगर जिले से। अच्छा, कि आप लोग कल प्रियंका गांधी के रोड शो में थे, क्या माहौल दिखा आपको, कैसा परिवर्तन दिख रहा है? बहुत अच्छा परिवर्तन है। जनता एक बार तो इनको सिखाएगी कि राजनीति और राजतंत्र और प्रजातंत्र क्या होता है। एक दिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि पूर्वांचल को इन्होंने एकदम छिछोरा समझ लिया था बीजेपी के लोगों ने, जो कि आज तक कोई ना तो योजनाएं इन्होंने पूर्वांचल के लिए चलाएं, ना तो कोई बात इन्होंने पूर्वांचल के रखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज ये सत्तर साल करते हैं, तो मैं पता हूं 5 साल में इन्होंने क्या किया। मैं सबसे मतलब जानना चाहता हूँ, मोदी ने जो कि केवल हाथ हिलाने का एक सिस्टम बना लिया है बस, और कुछ नहीं, केवल जुमला है। आज हमारे किसान जो कि परेशान, मैं किसान घर से आता हूँ, जो कि हमारे अम्बेडकर नगर आप जाएंगे तो पहुँचेंगे तो वहाँ देखेंगे गन्ने की फसल जो कि फरवरी लास्ट या मार्च आखिरी तक खत्म हो जाता है, लेकिन वो आज तक अभी तक गन्ना खेत में खड़ा है, जिसको केवल आप कोई उसको नुकसान पहुँचा रहा तो साढ़ है, जो कि एकदम पूरा रद्द बद्द कर दे हैं। इस समय खेती का हाल बेहाल है, आम जनता एकदम परेशान है। तो जाहिर सी बात है, कल मैं जब अयोध्या में पहुंचा था, देखा इतनी जबरदस्त भीड़ जो कि आज तक मैंने कभी किसी के नेता के रोड शो में नहीं देखा। तो उससे क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा और निश्चित परिवर्तन होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और प्रियंका जी के नेतृत्व में पूर्वांचल एक बहुत हिस्सा और एक उभरेगा, बहुत अच्छा वहाँ का एक विषय बनेगा। कितने सालों से आप कांग्रेस में? कांग्रेस में करीब 10-12 सालों से हैं। जब से राजनीति में ये तो कांग्रेस के राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो जात धर्म से बिलोंग नहीं करती। हमको कांग्रेस पार्टी और क्या नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी अच्छे लगे, नौजवान हैं तो हम लोग भी। कल इस तरह से रोड शो हुआ फैजाबाद अयोध्या में, तो क्या परिवर्तन लगा आपको, क्या उम्मीद लग रही? जिस तरीके महिलाओं ने भागीदारी दी प्रियंका दीदी के आने से, और जो जोश दिखा फैजाबाद अयोध्या में नौजवानों में, महिलाओं में, बड़े बुजुर्गों में, लोग अपने घर से निकल पड़े उनको जो है सुनने के लिए, देखने के लिए, ऐसा लगा जो है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लोग अब चाहने लगे हैं। वो जो भूल लोग कर दिए 5 साल दूसरे सत्ता देख के, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ लोग देखना चाहते हैं, विकास सब छूट गया, हर चीज़ लोग आम कार्यकर्ता हैं देख रहे हैं, गांव में हर जगह सब समस्याएं, कहीं कोई काम हो नहीं जा रहा है। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी मोदी से डायरेक्ट चुनाव लड़े उनकी सीट से, ऐसा कुछ विचार है? अब चुनाव जो करना है जनता डिसीजन देती है, और अगर हम लोग जो है नेतृत्व तो अगर कहेंगे तो चुनाव वहाँ लड़ेंगे। हम लोग चाहेंगे चुनाव चाहे जहाँ से लड़े, हम लोग जोर लगाए वो भी उनके लिए, चाहे वो बनारस से लड़े चाहे वो कहीं से भी लड़े, हम लोग तो चाहेंगे वो ठीक ही रहेगा। एक जुमले जुमला बाबू चुनाव ये जुमला चलेगा और हमारा काम दिखेगा जो इतने सालों में काम किया है। अभी हमारे शायद नौजवान साथी भी नहीं देखे होंगे जो है अपने घर का विकास देखे, कि हमारे बचपन में हमारे समझ से हर घर का जो है विकास आदमी देख लेगा अपने बचपन से, हमारे घर में क्या क्या चीज़ें होंगी उसी से पता चल जाएगा देश कितना विकास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का किस तरह से तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के? जैसे कि लखनऊ में रोड शो हुआ था, भावे रोड शो हुआ था प्रियंका गांधी का, उसके बाद से काफ़ी कुछ असर दिख रहा था यहाँ पर। तैयारी क्या, जनता जब चाह लेती है तो तैयारी बन ही जाती है। आने से वहाँ लोग इतने खुश थे कि ये नहीं कि जैसे लोगों में दिखता है चलो कोरम पकड़ के लाए जाते हैं दिखाया जाता है, ऐसा जान लीजिए आप वहाँ अगर रहे होंगे देखे होंगे कितनी उत्साह थी लोगों में कि अब दीदी आई हैं तो कुछ न कुछ कांग्रेस का ही भला होगा और जनता का भी भला होगा, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्र में तो रही लेकिन राज्य में तो करीब 27-28 सालों से नहीं रही, तो कहीं ना कहीं से जनता भी अपेक्षित हो चुकी है कांग्रेस की तरफ और दीदी की तरफ। देखिए,